कहते हैं कि अल्लामा आलूसी बगदादी साहिब रूहुल मानी, वो कहते हैं मैंने कुरान की तफसीर मुकम्मल की तो अली रजा पाशा जो सुल्तान महमूद खान बिन सुल्तान अब्दुल हमीद खान का वजीर आजम था वो खैरियत और तफसीर की मुबारकबाद के लिए मेरे घर आया और मुझे कहा तफसीर शुरू हुई थी क्या हाल है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। पूछा कि फमा समयता हूं क्या नाम है, कहा मैंने कहा अतफक्कर फसमाहु अलफोर व बदाहत जहनी ही तुगनी ही अनिल गौर रूहुल मानी फी तफसीर कुरान लजीम व सब मसानी। वजीर आजम ने नाम रखा है, हमारा भी वजीर आजम है, नाहल 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 अली बाबा थे 40 चोर, रोजाना उसके 2-4 वजीर नाहल हो रहा है। और हम में से ऐसे मोतमदीन है जो उनको बचाना चाहते हैं, अफसोस सद अफसोस। देखी जो बेरुखी है तो हैरत हुई मुझे, दुनिया तो बेवफा थी मगर तुझको क्या हुआ। ताक बता से डुबकड़ा चाहे चाप शायर हमला न खोले टोल कट कही बिल्कुल दस ना आल यारा सवेला ने थोबा थोबा। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं और महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाए। ना आहल जुमे को हटाने वाला शायरुल्ला पर हथौड़ा चलाने वाला, ना आहल जालिम जमाना, नाम शरीफ और हकीकत में शरीर, शरीरों का गरात, बदतरीन कायनात जुमे का कत्ताल सफाक। मैंने उसे खत लिखा और मौलाना को कहा कि इस खत को मुअस्सर बनाओ और बड़े अखबारात के सफ़े अव्वल पर वो खत शाया हुआ। ये तो बैंकरों के खिलाफ है, वो भी कहीं रखा है, सुनाऊंगा आपको। उनसे यही दरखास्त की थी कि आपने जुमे को हटा के इतवार लगाया, ये जुल्म किया है। इतवार मगदूबीन और द्वालीन का दिन है, इतवार का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। तमाम उम्मतों को जुमा दिया गया, जब नाफरमान हो जाते तो जुमा छीन कर किसी को सनीचर में डाला और किसी को इतवार में डाला। देखिए रूहुल मानी इन्नमा जुअला सब्त अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह के ज़ेल में पूरा लिखा है अल्लामा आलूसी।